यानी क्लब कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई को लायक के लिए नहीं समझा, और क्योंकि टेक्निकल उसमें कुछ उन्होंने गलतियां पकड़ी और कहा कि नुपुर शर्मा ने डिस्टर्ब करने वाला बयान दिया, टिप्पणी थी, ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का, माफी मांगने में देरी की और कंडीशनल माफी मांगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऑब्जर्व किया गया और इसी वजह से देश में हालात बिगड़ गए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और साथ ही साथ उन्होंने टिप्पणी की। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपने टीवी पर यह बयान देकर लोगों के जो भावनाएं उसको आहत की है तो आपको टीवी पर ही आकर माफी मांगनी चाहिए थी और नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर पूरे देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने माफी मांगने में पहले तो देरी की और जब माफी मांगी भी तो आपने कंडीशनल माफी मांगी। आपको याद होगा नुपुर शर्मा ने जब अपना बयान जारी किया था और अपना रिटन स्टेटमेंट ट्विटर पर जारी किया था तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरी बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं अपने बयान को वापस लेती हूं। ये कंडीशनल माफी कही जाती है, किंतु परंतु के साथ ये माफी कही जाती है। माफी मांगने में ना सिर्फ देरी हुई बल्कि सशर्त माफी नहीं मांगी गई। बिल्कुल, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जो देश में माहौल बिगड़ा वो आपकी वजह से बिगड़ा, आपने टीवी डिबेट में एक बयान दिया, उस बयान को देने के बाद उसका असर ये हुआ कि लोगों में गुस्सा हुआ, लोगों की भावनाओं को आहत हुए और लोगों ने उसके बाद जो हिंसा की उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आपने टीवी पर यह टिप्पणी दी तो आपको टीवी पर आकर ही पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आपने जो माफी मांगी थी कंडीशनल माफी मांगी थी, आपने एक वीडियो जारी किया जिसमें आपने कहा कि अगर किसी को मेरे बयान से आहत हुआ है या भावनाएं आहत हुई तो मैं माफी मांगती हूं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एफआईआर दर्ज हुए थे, खासतौर पर जैसे दिल्ली पुलिस को उन्होंने फटकार लगाई, बोला कि अगर केस दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ तो उस पर कार्रवाई क्या हुई है, इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में जो केसेस दर्ज हुए हैं उस पर कार्रवाई आगे क्या हुई है, कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। लेकिन साफ एक बात क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो माहौल खराब हुआ वो एकमात्र एक व्यक्ति की वजह से हुआ है, वह नुपुर शर्मा, जिनके बयान के बाद देश में माहौल खराब हुआ, लोगों की भावनाएं खराब हुई। हमने कहा नुपुर शर्मा ने याचिका दायर कर कहा था कि सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपने इस तरीके के बयान क्यों दिए, नुपुर शर्मा की तरफ से कहा गया कि उन्होंने तुरंत माफी मांगी थी और बयान वापस लिया था, लेकिन कोर्ट ने इस पर भी कहा कि टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए थी। नुपुर शर्मा की तरफ से दलील दी गई कि डिबेट में दूसरी तरफ से भड़काया गया था, इस पर फिर कोर्ट ने कहा आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। नुपुर शर्मा की दलील थी कि दूसरे राज्य में जाना सुरक्षित नहीं है। अदालत ने पूछा कि क्या आपकी नजर में देश के मजिस्ट्रेट छोटे हैं। बहुत नाराज सुप्रीम कोर्ट आज नुपुर शर्मा से नजर आई। फर्स्ट रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद बीजेपी पर हमला बोला है, कांग्रेस ने देश से माफी मांगे, नुपुर शर्मा कांग्रेस की ओर से पहला बयान, आइए सुनाते हैं। तो ठीक है, नुपुर शर्मा खान के माफी मांग लेगी तो क्या भाजपा माफी नहीं मांगेगी? ये तो भाजपा की बुनियाद है ना, इस देश भर में आग फैला के नफरतों को ये करके खून के रफ्तार बहा के ये सब जो करे हैं ये तो बीजेपी के काम है ना, तो बीजेपी भी देश से माफ़ी मांगे, माइनॉरिटी से माफ़ी मांगे, दलितों पे जहाँ हमला हुआ माफ़ी मांगे, कान पकड़िए और माफ़ी मांगिए, नहीं तो आपका भी एक हालात ऐसा होगा। और घूम पलट के एक महिला को बलि का बकरा बना दिए, तो बीजेपी में क्या कोई मर्द नहीं है जो सामने आके कह सकता है कि हाँ हम गुनाहगार है गुनहगार भाजपा, ले जाइए इनको, सबको ले जाके वहाँ डुबा दीजिए कहीं चुल्लू भर पानी में, तो बचने होता है इन लोगों के लिए। तरह से मना कर दिया है जो सारे केसेज एफआईआर दर्ज थे उनकी मांग थी कि एक ही साथ दिल्ली में लाया जाए। पुरुषों का सारा बल एक महिला पे ही लागू करेंगे ना, ये तो आदत से मजबूर है हमारी देश और समाज।